ये बताइए क्या आपके साथ हुआ था और अब आगे की क्या रणनीतियाँ आप लोगों ने तैयार की हैं। 5 तारीख को जो है डीएम साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया था हमको, सीएमएस साहब को और जो एनआरसी के डॉक्टर साहब हैं उनको बुलाया था और एनआरसी के नोडल अफसर के बारे में जो है बात की। उसके विषय में जब मैंने उनको अवगत कराया तो वो उखड़ गए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया सभी के लिए, डॉक्टरों के लिए, और आवास को बुलाया। जब हम लोग आवास पर गए उनके मिलने के लिए और हमने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया तो उन्होंने उसे नकार दिया और जो है अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, जिसके विरोध में हम लोगों ने नाराज़गी जताई, आपत्ति जताई और फिर जो है बाद में हम वापस वहाँ से चले आए। हमने ये बात अपने साथियों के साथ में रखी, संघ के साथ में, तो उस पर जो है सभी लोगों ने सहमत जताई। जिलाधिकारी महोदय का व्यवहार जो है कई बार ऐसा रहा है, अमर्यादित व्यवहार रहा है और जो है हम लोगों को असमय कुछ समय मिलाते रहते हैं मीटिंग के लिए, जो ठीक नहीं है। जो सरकार के नियम है उसका उनको पालन करना चाहिए, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया था लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। इससे जो हम पीड़ित होकर के सभी डॉक्टरों ने जो है अपना सामूहिक इस्तीफा दिया था और मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कहने से जो है हम लोगों ने दीपावली त्यौहार को देखते हुए जो है कार बहिष्कार भी किया था, काली पट्टी बांध के विरुद्ध जताना प्रस्ताव किया था और हम लोग अभी काली पट्टी बांध कर उसका जो है विरोध कर रहे हैं। अगर इस संबंध में जो है शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है 13 तारीख से जो है ओपीडी का भी बहिष्कार करेंगे। इसके आगे अगर कोई नुकसान होता है स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं की भरपाई के लिए जिम्मेदार शासन होगा। हाल ही में हरदोई जिले में सामूहिक इस्तीफा देकर यहां के सभी सीएचसी अधीक्षकों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी को हटाए जाने की मांग सामने रखी थी। बता दें, डॉक्टरों का आरोप था कि जिला अधिकारी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था, जिसको लेकर सभी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा देने के बाद काली पट्टी बांध कर काम करना शुरू किया था। मगर अब बात यहीं थमी नहीं है, भविष्य में आने वाली 13 तारीख को सभी डॉक्टरों ने ओपीडी बहिष्कार करने की बात की है। इतना ही नहीं, ओपीडी बहिष्कार के बाद आने वाली समस्याओं का जिम्मेदार खुद शासन होगा, ऐसा कहकर डॉक्टरों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।